हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। बॉलीवुड के गलियारों से एक बेहद ही बुरी खबर सामने आ रही है। इरफान खान सोनाली बेंद्रे के बाद अब बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राकेश रोशन भी कैंसर की चपेट में आ गए हैं। और इस बात की जानकारी खुद उनके बेटे ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम के जरिए दी है। उन्होंने लिखा कि मैंने आज सुबह अपने पिता से एक फोटो खिंचवाने के लिए कहा। आज अपनी सर्जरी के दिन भी उन्होंने जिम नहीं मिस किया। वो एक बहुत मजबूत इंसान हैं। कुछ हफ्ते पहले ही पता चला है कि उनको शुरुआती स्टेज का स्क्यूमिनस सेल कार्सिनोमा हो गया है। ये उनके गले को प्रभावित कर रहा है। वो इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा परिवार बहुत खुश नसीब है जो हमें उनके जैसा लीडर मिला। आपको बता दें, सेक्यूमस सेल कार्सिनोमा एक स्किन कैंसर होता है। वैसे अब राकेश की बिगड़ती तबीयत के चलते उनकी फिल्म क्रिश 4 की शूटिंग में देरी होने वाली है। ये तो आप जानते हैं कि राकेश रोशन बाहुबली की तरह क्रिश को भी दो पार्ट्स में बनाना चाहते हैं। वेल, अब हम तो बस यही दुआ करते हैं कि राकेश जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपनी इस फिल्म की तैयारी में जुट जाए।